और राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पास हो गया है। नारी शक्ति वंदन बिल को सर्वसम्मति से एक भी वोट विरोध में उच्च सदन में नहीं पड़ा, सभी ने सहमत है कहकर के इसको पास किया है। सभी दलों के वहां पर सदस्य हैं, जिसमें राज्यसभा में भेजे हुए सभी लगभग राजनीतिक दलों के सदस्य वहां पर मौजूद हैं और सभी ने इसके समर्थन में बिल को पास करने के लिए आए कह करके, जो कि लोकसभा और राज्यसभा की एक परंपरा है। हालांकि कल की वोटिंग अलग प्रक्रिया से हुई थी, आज जो लगभग अभी बीते कुछ सालों से एक परंपरा है वोट डालने की, उसी परंपरा से यहां पर सर्वसम्मति से ये बिल पास कर दिया गया है। और इस वक्त की बड़ी खबर, नारी शक्ति वंदन बिल 2023 संशोधन के साथ सदन में, राज्यसभा में, जो कि संसद के उच्च सदन में पास किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खड़े होकर सभी के जो सकारात्मक रुख का उन्होंने स्वागत किया, सभी का अभिनंदन उन्होंने किया। और उसके बाद उपसभापति जगदीप धनखड़ ने इस पूरे, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सदन के जो कि पदेन अध्यक्ष हैं, उन्होंने इसके वोट के लिए सभी से उच्चारण कर आए बोलकर जो पक्ष में है उन्हें और जो विरोध में है उन्हें पूछ करके ये स्पष्ट कर दिया, ये घोषणा की कि राज्यसभा में भी ये बिल पास हो चुका है। लोकसभा और राज्यसभा के बाद अब राष्ट्रपति के पास ये बिल जाएगा, नारी शक्ति वंदन बिल, जिनके हस्ताक्षर के साथ ही ये कानून बनेगा, संविधान में इसको स्थान मिलेगा। और महिलाओं को 33% आरक्षण, प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्यों की विधानसभाओं में चुनाव लड़ने के लिए, मसलन अगर किसी राज्य में 100 विधानसभा सीटें हैं तो उसमें 33 विधानसभा सीटों पर ये सिर्फ महिलाओं का अधिकार चुनाव लड़ने का होगा। इस तरह की प्रक्रिया, इस 33% यानी एक तिहाई आरक्षण को लेकर बिल पास किया गया। Ready, boys?